सभी आम को इस तरह से काट लेना है जैसे वीडियो में आप देख रहे हो उसी तरह से काटना है और इसका पल्प निकाल लेना है अच्छे से। मैं अभी जो बना रही हूँ वो मैंने 5 से 6 किलो आम लिए हैं और इनको मैं पूरे साल के लिए स्टोर कर दूंगी और बिना प्रिजर्वेटिव के मैं ये स्टोर करती हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। देखिए ये सारा का सारा पल्प निकाल दिया है, अब हम क्या करेंगे इसको मिक्सर जार में डालेंगे और 2 से 3 चम्मच शक्कर डालेंगे बस, और कुछ भी नहीं डालना और इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ये देखिए इतना जार मैंने फिल किया है और इसमें 2 से 3 चम्मच शक्कर डालेंगे। अब ये सारे पल्प को हम जिपलॉक बैग में पैक करके रख देंगे और ये जिपलॉक बैग्स डायरेक्टली फ्रीजर में नहीं रखनी है, ये रखेंगे हम एयरटाइट कंटेनर में। तो इस तरह से आप पूरे साल के लिए आम को स्टोर करें।